एक लड़का और एक भेड़िया। एक दिन एक भेड़ बकरी चराने वाला अपनी बकरियों को लेकर उन्हें घास खिलाने पहाड़ पर गया था। वो वहां बैठे बैठे बोर हो रहा था। अचानक उसे कुछ मस्ती सूझी। वह अचानक से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, कोई बचाओ, भेड़िया आया। यह सुनकर पहाड़ के नीचे जितने भी किसान थे वह डर गए। वह फट से वो लड़के की मदद करने पहुंच गए। वहां पे जाके देखा तो क्या, वहां पे कोई भेड़िया ना था। डरे हुए किसानों को देखकर लड़का बहुत जोरों जोरों से हंसने लगा। सभी किसानों को बहुत गुस्सा आया और सब ने उस लड़के को चेतावनी दी, अगर तुमने दूसरी बार ऐसी मस्ती की तो हम कोई बचाने नहीं आएगा। दूसरे ही दिन लड़के को वापस मस्ती सूझी। उसने वापस चिल्लाया, भेड़िया आया, कोई बचाओ, भेड़िया आया। यह सुनकर वापस सारे किसान दौड़कर वो लड़के की मदद के लिए पहुंचे, पर वो लड़का वापस जोरों जोरों से हंसने लगा। यह देखकर किसानों को गुस्सा आया, किसान वापस गुस्से में लौट गए। कुछ दिनों बाद जब लड़का वापस पहाड़ पर अपने भेड़ बकरियों को चराने गया था, तब वहां पे सच में एक भेड़िया आया और वो भेड़िया अपनी बकरियों पर हमला बोलने लगा। बेचारा लड़का बहुत ही डर गया था। वो फटाक से झाड़ पर चढ़ गया, पर उसने मदद के लिए आवाज लगाई, भेड़िया आया, कोई बचाओ, भेड़िया आया। नीचे जितने भी किसान थे उन्हें वापस ऐसा लगा कि लड़का मस्ती कर रहा है, इसलिए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। भेड़िये ने सारी बकरियों को खा लिया था। बेचारा लड़का, उसने अपनी बकरियां भी खो दी। तब उस लड़के को जान पड़ा कि जब कोई झूठ बोलता है तो कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। जो एक बार झूठे साबित हुए तो हमेशा झूठे माने जाओगे।